Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Academy Universe. I am Asim Kumar Das. Welcome. मेरा नाम है अभिषेक दास, स्वागत है आपका एकेडी यूनिवर्स में। दोस्तों आज हम लोग एक स्पेशल सूप बनाने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मटन पाया सूप हिंदी में, और उड़िया में हम लोग बोलते हैं खासी घोड़ा सूप। तो ये बनाने का हम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जानेंगे कैसे बनता है उड़िया घर में, कैसे बनता है। ये वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी रहता है, और उसके साथ साथ आपके जॉइंट्स, पेन और नी, एल्बो जॉइंट, सब बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए ज़्यादातर बहुत अच्छा रहता है। जब अगर किसी का टांग टूट गया है तो डॉक्टर लोग सजेस्ट भी करते हैं ये खाइए, सूप पिए। इसको पीने से क्या होता है, सारे जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। जो उसके जॉइंट्स में अपना एक ऑयल जैसा रहता है, वो जब सूख जाता है तो जॉइंट्स पेन बहुत होता है। तो इसके लिए ये सूप बहुत अच्छा है। तो आज चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनता है मटन पाया सूप। चलिए पहले हम लोग सरसों का तेल थोड़ा लेंगे कुकर में, मात्रा आप लोग देख लीजिए। अब इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी हम इसमें क्या डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं। गरम होने के बाद तेल अभी हम लोग इसमें डालने जाएंगे मटन के। लो से मीडियम में रखिएगा, ज्यादा लो मत कीजिएगा और ज्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा, मीडियम में या फिर लो मीडियम में रखिएगा। नमक डाल दिया हमने, कैमरा मैन का ध्यान भटक रहा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का, मतलब छोटे चम्मच का आधा। अभी धनिया पत्ता डालेंगे हम लोग, धनिया पाउडर डालेंगे वो भी छोटे चम्मच में आधा डालेंगे, फिर मीडियम चम्मच में आधा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा लाल मिर्च, चिली मिर्च पाउडर देखिए हो गया, बन गया हमारा सूप। ये अपना जो सूप, एक हमने एक घंटे बाद गैस ऑफ किया
और 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग ढक्कन हटाए कुकर का स्टार्ट। हाँ देखिए हम लोग अभी सर्व कर रहे हैं। इसका एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा है। ये देखते हैं कितना स्मूथ है। बहुत बढ़िया, जरूर ट्राई कीजिए, करते हैं बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा सूप है, बोन एकदम सॉफ्ट हो गया है, टेस्ट में अच्छी तरह से अच्छे से बॉईल हो गया है, बहुत अभी टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक पाटू।